रालोद की एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कपिल चंद्रा रहे। मीटिंग में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने और रालोद को मजबूत करने का आह्वान किया है। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में रालोद से संभावित विधानसभा प्रत्याशी कपिल चंद्रा ने कृषि कानून का विरोध करते हुए अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई हैं। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। केंद्र व प्रदेश सरकार को दिल्ली की सीमाओं पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे अन्नदाता उनका दुख दर्द अब नहीं दिखाई दे रहा है। आजादी के टाइम पे पाकिस्तान बन गया, 65 में हुआ था बांग्लादेश बन गया। आज भी हमें उसी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले अंग्रेजों से लड़ते, आज इन व्यापारियों से लड़ती पड़ती। तो मैं आप लोगों से यही बात करना चाहूँगा, अपील।